ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का केस आपने जरूर सुना होगा। लव ट्रायंगल का मामला सामने आ रहा था, पति पत्नी दोनों थे, सोशल मीडिया पर जमकर वायरल था। लेकिन भाई साहब, आलोक मौर्य ने जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। जी हाँ, आलोक मौर्य जो FIR करवा रहे थे, अपनी पत्नी को भ्रष्टाचारी बता रहे थे और जो आरोप लगा रहे थे, सब केस भाई साहब ने वापस लेने के लिए बोल दिया है। और उन्होंने कहा है कि मैं यह किसी दबाव में नहीं कर रहा हूँ। जी हाँ, सुनकर आपके कानों पर विश्वास ना हो शायद, जिस तरीके से पब्लिक सेंटीमेंट आलोक मौर्य के साथ था, सबके अब जज्बात बदल गए हैं। और इस कारण, इस केस के कारण से न जाने कितनी महिलाओं को पढ़ने से रोक दिया गया है, न जाने कितनी पतियों ने अपनी पत्नियों को वापस बुला लिया, पढ़ने नहीं दिया। लेकिन अब सामने आया है जो मामला, वो बहुत ही आपको झटका देगा कि आलोक मौर्य ने केस वापस लेने की बात कही। और उन्होंने कहा है कि मैं जो है ये दबाव में किसी के नहीं ले रहा हूं, मुझे कुछ नहीं करना है, सारी बातें छोड़िए, अब मुझे एक केस वापस लेना है। मतलब जो आरोप लगाए थे, अब कहा जा रहा है कि उनके भाई पे ऊपर केस किया है ज्योति मौर्य ने, या दबाव में आकर, जो भी हो, लेकिन सच्चाई है कि आलोक मौर्य जो है केस वापस ले रहे हैं। और इसकी वजह से अब लोगों को जोर का झटका धीरे से लगा है। जो अपनी पत्नियों को ताना सुना रहे थे, जो महिलाओं को बुरा भला कह रहे थे, अब वो क्या करेंगे? अब मीम समाज कैसे जिंदा रहेगा? जो अब तक महिलाओं को बुरा भला कहता था कि ये होता है, पढ़ाना नहीं चाहिए, ज्योति मौर्य सब बन जाएगी, अब बताओ गुरु, अब क्या होगा? क्या राय रखते हैं आप इस बारे में? जरूर कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसी खबरें आपको मिलती रहें। धन्यवाद।